टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका इन बीसीएन न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। कांग्रेस को गुरुवार को बड़ा झटका लगा। गौरव वल्लभ ने पार्टी के इस्तीफा देते हुए कहा कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते, ऐसे में पार्टी में बना रहना मुश्किल है। समाजवादी पार्टी ने मेरठ लोकसभा सीट पर उम्मीदवार फिर बदल दिया है। मेरठ लोकसभा सीट पर सपा ने सबसे पहले भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया था, उसके बाद अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाया गया। संजय निरुपम को लेकर बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट में मोहित भारती ने निरुपम को लेकर विरोध जताया है। पोस्ट में कहा गया कि संजय निरुपम बोस है, आखिरकार कांग्रेस ने उन्हें बाहर निकाल दिया। कल जेल से बाहर आए आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह आज हनुमान मंदिर जाएंगे, वो राजघाट भी जाएंगे। मथुरा लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी भाजपा की उम्मीदवार बनी निवर्तमान सांसद हेमा मालिनी आज नामांकन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन बिहार का आगाज करेंगे, उनकी जमुई में रैली होगी। इसके बाद पीएम मोदी की पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में भी जनसभा होगी। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से महागठबंधन की ओर से आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती पहले ही नामांकन कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस में पार्टी का विलय कर चुके पप्पू यादव ने 4 अप्रैल को नामांकन करने का ऐलान कर दिया है। संजय निरुपम को कांग्रेस ने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में निरुपम के शामिल होने के आरोप में यह कार्रवाई की है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज राहुल गांधी के चुनावी क्षेत्र वायवाड में हुंकार भरेगी। बीजेपी प्रत्याशी के सुरेंद्रन के नामांकन में शामिल होंगी और रोड शो कर बीजेपी के लिए वोट मांगेगी। महाराष्ट्र में सपा विधायक रईस शेख ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार रमजान के महीने में मदरसों की मैपिंग करा रही है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए महाराष्ट्र में प्रचार अभियान शुरू हो चुका है। कांग्रेस के कई बड़े नेता जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राज्य का दौरा करेंगी। महाराष्ट्र की सातारा लोकसभा सीट को लेकर चर्चा है कि यहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण एमवीए के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी सांसद उन्मेष पाटिल ने शिवसेना युवती का दामन थाम लिया है, वो अपना टिकट कटने से नाराज थे। भारतीय शेयर बाजार का धमाकेदार सफर जारी है और घरेलू बाजार नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुला है। सेंसेक्स निफ्टी ने नया ऐतिहासिक शिखर छू लिया है। केवल 10 दिनों के भीतर सेंसेक्स निफ्टी ने तीसरी बार ऑल टाइम हाई का नया लेवल बनाया है। टीएमटी बार बनाने वाली विभिन्न कंपनियां बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी कर रही थी और इससे सरकारी खजाने को चपत लग रही थी। टैक्स डिपार्टमेंट को अब तक 730 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का पता लगा है। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित होने वाले कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने विंडफॉल टैक्स के बारे में बुधवार देर शाम अपडेट शेयर किया, जिसमें इसकी जानकारी दी गई। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल 2024 के 16वें मुकाबले में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। यह मैच कोलकाता नाइट राइडर्स से 106 रनों से जीता। द एकेडमी ने अपनी ऑफिशियल इंस्टा पेज पर दीपिका पादुकोण की फिल्म बाजीराव मस्तानी के गाने दीवानी मस्तानी के एक सॉन्ग की वीडियो शेयर की है। ये वीडियो अब काफी वायरल हो रही है। अजय देवगन के खाते में इस वक्त कई बड़ी फिल्में हैं। शुरुआत शैतान से हो चुकी है, अब अगला नंबर मैदान का है, लेकिन ऐसी कई और फिल्में हैं जो अजय देवगन का आगे का गेम सेट कर देगी। 10 अप्रैल का दिन सिनेमा प्रेमियों के लिए जबरदस्त होने वाला है। अक्षय कुमार और अजय देवगन की फिल्में आ रही है। इस क्लैश में कौन बाजी मारेगा ये तो कुछ दिन बाद पता लगेगा, लेकिन बड़े मियां छोटे मियां के एंड क्रेडिट सीन में फैंस को बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यू ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इन बीसीएन न्यूज। नमस्कार।